नेपाल के लिए करो या मरो का मुकाबला आज। अफगानिस्तान से नहीं मिली जीत तो एशिया कप में नेपाल की उम्मीदें होंगी खत्म। सेमीफाइनल के लिए जीत बेहद जरूरी। अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से रहना होगा नेपाल को सावधान। गलतियों से नेपाल को सीखना होगा सबक। बल्लेबाजी पर होगा जीत का दारोमदार। गेंदबाजों को भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की होगी दरकार। पाकिस्तान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना खेल के बाद एशिया कप में बने रहने के लिए नेपाल को अब हर हालत में अफगानिस्तान से मुकाबला जीतना ही होगा। लेकिन अफगानिस्तान से जीत का पूरा दारोमदार नेपाल की बल्लेबाजी पर होगा। नेपाल के बल्लेबाजों को अफगानिस्तान के खिलाफ टिक कर जबरदस्त बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन अफगानिस्तान के 5 खिलाड़ियों से बेहद सावधान रहना होगा। पहले समझ लीजिए कि अफगानिस्तान के वो 5 खिलाड़ी कौन हैं जो नेपाल के लिए खतरा बन सकते हैं। अफगानिस्तान के कप्तान नासिर खान यूं तो भारत के खिलाफ पहले मैच में नहीं चले, लेकिन वो अफगानिस्तान के लिए सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं। अगर वो चल गए तो नेपाल के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज जमशेद जादरान, सोहेल खान, नोमान शाह बेहद खतरनाक बल्लेबाज है। जमशेद ने भारत के खिलाफ भी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और भारतीय गेंदबाजों की धुनाई की थी। इसके साथ ही नोमान शाह ने भी भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। तो बशीर अहमद और खलील अहमद से टीम को खासा सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर खलील और बशीर की गेंदबाजी चल गई तो नेपाल को खासी दिक्कतें होने वाली हैं। नेपाल और अफगानिस्तान के मुकाबले की अगर बात की जाए तो दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी हैं। दोनों में से जिसे भी एशिया कप में आगे जाना है उसे ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। नेपाल के कप्तान देव खनाल और आशीष त्रिपाठी जैसे बल्लेबाजों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा, क्योंकि अर्जुन कुमार ने पहले मुकाबले में ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी। लेकिन कप्तान देव खनाल से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले मुकाबले में देव खनाल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आए। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ अगर देव खनाल का बल्ला चला तो टीम के लिए जीत आसान हो सकती है। गुलशन झा ने शुरुआत में गेंदबाजी तो अच्छी की, लेकिन बल्लेबाजी में वो पूरी तरह फ्लॉप रहे। जबकि गुलशन कुमार झा अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में सक्षम है, ऐसे में गुलशन को गेंद और बल्ले दोनों से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल की गेंदबाजी बेहद औसत दर्जे की नजर आई, ऐसे में दीपेश कंडेल को अपनी फिरकी को और धारदार बनाना होगा। इस बार नेपाल को 4-4 स्पिनर की जगह पिच के हिसाब से कम 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतरना चाहिए। नेपाल अगर अपना दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान को हरा देती है तो सेमीफाइनल में नेपाल की उम्मीदें जीवित रह सकती हैं, क्योंकि उसके बाद नेपाल का सबसे बड़ा मुकाबला भारतीय टीम के साथ होगा और उसे जीतना नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।